मंत्री जी ने ख और ग में उत्तर में लिखा है, भारतीय महिलाओं की झांसा देखकर धोखे से उनसे शादी करने के दोषारोपण पर अनिवासीय भारतीयों की गिरफ्तारी के संबंध में आंकड़े मंत्रालय के पास नहीं है। गोपनीयता के आधार पर विदेशी सरकारें ऐसी जानकारी भारतीय मिशनों या मंत्रालय के साथ साझा नहीं करती। भारत में की गई गिरफ्तारियों के संबंध में जानकारी मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह राज्य सरकारों के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। यदि ऐसा है तो भारतीय महिलाओं को न्याय कैसा मिलेगा? और मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आज तक जितने महिलाओं के धोखा हुआ है, ज्यादातर वो कौन से कम्युनिटी की है, यह मैं जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, आप सहित ये पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि विदेशों में संकट में फंसे भारतीयों की मदद करना इस सरकार की उच्च प्राथमिकता बन गया है। एनआरआई शादियों के विवाद भी इसी श्रेणी में आते हैं, लेकिन मैं इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहूंगी कि यह समस्या जितनी गंभीर है उतनी विकट भी है, और इस तरह के विवादों को सुलझाने में हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और मैंने अपने लिखित वक्तव्य में उन तमाम बाधाओं का जिक्र किया है। जो खै भाग का बात सांसद महोदय कर रहे थे वो सच है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमें जो आती है वो ये आती है कि जो दूसरे देशों में लॉज ऑफ प्राइवेसी है उसके अनुसार वो हमारे साथ सूचना साझा नहीं करते। और उससे भी बड़ी समस्या है अध्यक्ष जी कि विदेशी कोर्ट्स कौटुंबिक परंपरा को उस तरह नहीं समझते जैसे भारत में समझते हैं। वहां अगर एक्सपार्टे डिक्री भी डाइवोर्स के लिए दे दी जाए तो वो इसे कोई बहुत बड़ा संगीन अपराध नहीं मानते, और इसलिए वो तुरंत तलाक दे देते हैं। अगर भारत में वो केस डाले तो संबंध की तामीर होने में ये दिक्कत आती है कि जैसे व्यक्ति को पता चलता है कि मेरे खिलाफ संबंध आया तो वो पता बदल लेता है, तो संबंध की तामीर नहीं हो पाती। इसलिए मैंने इन दोनों चीजों के बारे में ये लिखा था कि ये हम लोगों के लिए दिक्कतें आती हैं, ताकि ये पूछना कि वो किस कम्युनिटी की हैं, ये तो मेरे पास आंकड़ा हो ही नहीं सकता, और कम्युनिटी से इसमें क्या ज्यादा फर्क पड़ जाता है। मेरे लिए तो जब मैं कहती हूँ कि मैं विदेश में फंसे हुए व्यक्ति की मदद करती हूँ तो जाति, भाषा, प्रांत, कम्युनिटी, ये सारी चीजें गौण हो जाती हैं। वो मेरे लिए शुद्ध भारतीय होता और वो महिला शुद्ध भारतीय होती है। इसलिए मुझे नहीं मालूम कि सांसद इससे क्या हासिल करेंगे अगर उनके पास ये आंकड़ा आ जाए कि वो किस कम्युनिटी की है। अध्यक्ष महोदया, एनआरए द्वारा झूठी शान एवं झूठे बयानों से भारतीय महिलाओं से शादी कर लेते हैं और दहेज के नाम वे लड़की वालों से भी काफी धन भी लेते हैं। शादी करने के बाद वे विदेश लौटते हैं, वक्त पत्नी का वीजा विदेश में बनवाने के लालच देकर विदेश लौट जाते हैं, उसके बाद लौटते हैं तो दूसरी शादी इसी तरह से करते हैं। इस तरह एनआरए द्वारा भारतीय महिलाओं के साथ शादी करके धोखे हो रहे हैं। अगर महिलाएं विदेश पहुंचे भी जाती है तो पति द्वारा पहले रखी पत्नी के बारे में पता चलता है, वो विदेश पर कई अत्याचार महिला पर किए जाते हैं। अत्याचार होने पर भारतीय महिलाओं को राहत देने के लिए 13 देशों के साथ भारत ने संधि कर रखी है। इस प्रकार के मामले को देखने के लिए एक पार्लियामेंट्री फोरम गठित किया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, आज तक इस फोरम के माध्यम से कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है? धन्यवाद। अध्यक्ष जी, हम लोगों ने एक पोर्टल बनाया है 21 फरवरी 2015 को शुरू किया, जिसका नाम ही रखा है मदद। मैंने लिखित वक्तव्य में भी कहा है कि उसमें हमारे पास 246 शिकायतें आई, जिसमें से हम लोगों ने 172 का समाधान कर दिया। पोर्टल के अलावा जो डाक और ईमेल से हमारे पास शिकायतें आई वो 362 आई, जिसमें से हमने 344 का समाधान कर दिया। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि केवल विदेश मंत्रालय नहीं, बल्कि हमारा महिला और बाल विकास मंत्रालय और हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग, इनकी भी ये प्राथमिकता बन गई है एनआरआई मैरिजेस में चीजों का समाधान करना। और महिला बाल विकास मंत्रालय ने तो एक समिति बनाई है, इंटर मिनिस्ट्रियल अंतर मंत्रालय समिति, जिसमें विदेश मंत्रालय के दो अधिकारी हैं, उनका अपना एक अधिकारी है। हमने उन्हें ये कहा है कि इसमें आप एक राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रतिनिधि भी रख लें और इसमें एक लॉ एंड जस्टिस का प्रतिनिधि भी रख लें, तो वो इकट्ठे बैठ करके इन चीजों को भी देख रहे हैं कि अभी प्रावधानों में कहाँ कठिनाइयां हैं और कहाँ ढिलाई देने की जरूरत है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी बनाई है और 4 सदस्यीय सब कमेटी बनाई है, उनकी भी सिफारिशों का हम इंतजार कर रहे हैं।
और मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगी कि राज्यसभा की पिटीशन कमेटी के पास भी एक याचिका आई है जिसकी सुनवाई वो लोग कर रहे हैं। हम उनके सिफारिशों का भी इंतजार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम सब मिलकर जिस तरह से इस समस्या का समाधान करना चाह रहे हैं, जो भी हमें नियमों में ढील देनी होगी, परिवर्तन करना होगा, वो करके हम इसका प्रभावी समाधान करेंगे। जिन्होंने देश के बंटवारे को मजहब के नाम पर कबूल किया वो सेक्युलर है, जिन्होंने उसे मुखालफत की वो कम्युनल है।